नमस्ते दोस्तों, निगम किचन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग देने के लिए अनसकड़ी की सामग्री सिद्ध करेंगे, जिसमें हम तीन प्रकार की सामग्री सीखेंगे, गगन गांठिया, मैदा की मठड़ी और दीवड़ा। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गगन गांठिया और मैदा की मठड़ी बनाने के लिए डो बनाएंगे। उसके लिए एक बड़े मिक्सिंग बाउल में आधा कप मैदा ले, मैदा का छानकर ही उपयोग करें। वजन में देखने जाए तो हमने 70 ग्राम जितना मैदा लिया है। अब हम उसमें गरम घी का मोयन ऐड करेंगे। तो पहले हमने 3 बड़े चम्मच गरम घी का मोयन ऐड किया है। अब हाथ की मदद से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप गगन गांठिया या मैदे की मठड़ी बनाओ, तब हमेशा मोयन के लिए गरम घी का ही उपयोग करें। अगर आप ठंडे घी का उपयोग करोगे तो जो सामग्री है वो उतनी खस्ता नहीं बनेगी। आधा चम्मच घी फिर से ऐड करें और अच्छे से मिलाएं। टोटल हमने 3.5 बड़े चम्मच घी का उपयोग किया है। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाए और आटा गूंदे। आटा गूंदते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि बहुत ही हल्के हाथों से आटा गूंदना है। गगन गांठिया गुजरात में सौराष्ट्र की मशहूर मिठाई है। हवेली में श्री ठाकुर जी को भी अन्नकूट में ये सामग्री अवश्य भोग तराई जाती है। इस आटे को गूंदने के लिए हमने टोटल 3 चम्मच पानी का उपयोग किया है। इस तरह से हमने गगन गांठिया और मठड़ी बनाने के लिए मीडियम थिक आटा गूंदकर तैयार किया है। ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक उसे रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस डो को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही डो में से हम गगन गांठिया और मठड़ी दोनों बनाना सीखेंगे। अब आपको जिस साइज की मठड़ी बनानी हो उतनी साइज की आप लोई काट ले। अभी हम छोटी साइज की मठड़ी बना रहे हैं, तो इतने आटे में से 4 नंग मठड़ी तैयार होगी। अब गगन गांठिया बनाने के लिए थोड़े डो को चकले के ऊपर रखें और उंगली और हथेली की मदद से एक उंगली जितने मोटे और बड़े गगन गांठिया बेलकर तैयार करें। इस तरह थोड़े आटे को चकले के ऊपर रखें और बहुत ही हल्के हाथों से उसे रोल करें। अगर आपको चकले के ऊपर ना बेलने हो तो आप उसे हाथ से भी बना सकते हो। हाथ से बनाने के लिए इस तरह हथेली में थोड़ा डो रखें और दूसरे हाथ की मदद से उसे रोल करें। इस तरह हमने इतने आटे में से 5 नंग गगन गांठिया तैयार किए हैं। गैस पर एक कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखा है। घी अच्छा सा गरम हो जाए तब उसमें गगन गांठिया को डीप फ्राई करें। जब भी आप गगन गांठिया को घी में डीप फ्राई करो, तब एक बात का खास ध्यान रखें कि घी अच्छा सा गरम होना चाहिए और हमें उसे एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना है। अगर आप उसे मीडियम या हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करोगे तो वो बाहर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से उसे पलटते जाए और डीप फ्राई करें। मैदा की मठड़ी बनाने के लिए चकले के ऊपर एक लोई रखें और उसे मीडियम थिक साइज में बेलें। आप थोड़ी बड़ी साइज की मठड़ी भी बना सकते हो।
इस तरह से बेलने के बाद अब किनारी पर इस तरह की डिज़ाइन बनाएं। जैसे हम गुजिया या कराजी बनाते हैं तब जैसे डिज़ाइन बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार की डिज़ाइन हमें बनानी है। अब मटड़ी के बीचों बीच चाकू की मदद से 8 से 10 छेद करें जिससे हम मट्टी को डीप फ्राई करें तब वो फूले नहीं। अब हमने जो गगन गांठिया डीप फ्राई करने के लिए रखे थे वो हल्के गुलाबी रंग के हो गए हैं। 7 से 8 मिनट हमने उसे डीप फ्राई किया है और हम उसे उतना ही टाइम फिर से डीप फ्राई करेंगे। पहले हमने जैसे मछली बेलकर तैयार की उसी तरह से दूसरी मटी बेलकर भी तैयार करते हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी साइज की मटी बनाना चाहते हो तो आप लोई की साइज थोड़ी बड़ी रखें। इस तरह से किनारी के ऊपर गुजिया जैसी डिजाइन बनाएं। और चाकू की मदद से 8 से 10 छेद करें। अब तैयार की हुई मट्टी को एक प्लेट में रखें। टोटल 20 मिनट तक हमने गगन गांठिया को घी में स्लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर लिया है। अब वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। उसे कढ़ाई से बाहर निकालकर एक प्लेट में रखें और 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। अब हमने जो मटड़ी बनाकर तैयार की थी उसे भी घी में डीप फ्राई करेंगे। जब भी आप मटड़ी को घी में डीप फ्राई करो तब घी अच्छा सा गर्म होना चाहिए और पहले 2 मिनट तक हमें उसे हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। फिर मटड़ी घी में थोड़ी ऊपर आ जाए फिर गैस की फ्लेम एकदम स्लो करें और उसे स्लो फ्लेम पर डीप फ्राई करें। 10 मिनट तक मटड़ी को तलने के बाद अब वो लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है। उसे बीच बीच में पलटते जाए ताकि दोनों साइड से और अंदर से वो प्रॉपर तरीके से सीख जाए। अभी हमने छोटी साइज की मटड़ी बनाई है तो इसे तलने में टोटल 15 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। अगर आप बड़ी साइज की मटड़ी बनाओगे तो उसे तलने में 30 मिनट जितना समय लग सकता है। 15 मिनट के बाद मटड़ी तलकर तैयार है। उसे एक प्लेट में निकाले और 3 घंटे का ठंडी होने दे। अब दीवड़ा बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में 1/2 कप गेहूं का आटा ले। जो हम रोटी बनाने के लिए आटा का उपयोग करते हैं वही आटा हमें छान कर लेना है। उसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करें और मोयन के लिए 3 बड़े चम्मच गरम किया हुआ देसी घी ऐड करें। और अच्छे से मिक्स करें। ये सामग्री श्री ठाकुर जी को दिवाली के दिन गोपी वल्लभ भोग राजभोग एवं हटड़ी समय पर जो भोग आता है उसमें भोग धरी जाती है। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए और मीडियम थिक आटा गूंदे। आप अपने गुरु घर की जो प्रणाली का हो उसके मुताबिक ये सामग्री सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धरा सकते हो। इस तरह हमने दीवड़ा बनाने के लिए मीडियम थिक आटा गूंदकर तैयार किया है। ढक्कन लगाकर आटे को 5 मिनट तक रेस्ट दे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। दीवड़ा बनाने के लिए हमने जो आटा तैयार किया था वो बाहर से थोड़ा सूख गया है, इसलिए 1 मिनट तक हम उसे
हाथ से मस लेंगे। अब चकले के ऊपर रखकर हम आटे में से एक बड़ी साइज का रोल तैयार करेंगे और चाकू की मदद से उसमें से लोई काटेंगे। इतने आटे में से करीबन 6 से 7 नंग दीवड़ा बनकर तैयार हो गए। लोई को दोनों हाथ की हथेली में अच्छे से दबाकर इस प्रकार की गोल लोई बनाकर तैयार करें। अब हमने जो लोई तैयार की थी उसमें से एक लोई को हम चकले के ऊपर रखेंगे और उसमें से मीडियम थिक साइज की पूरी बेलेंगे। इस प्रकार की पूरी बेलकर उसकी किनारी पर थोड़ा पानी लगाए और दोनों किनारी को इस तरह से जॉइंट करें और दीवड़ा का शेप दे। इस तरह से खुल चारों साइड से खुलता हुआ शेप दे और बीच में से उसे जॉइंट करें। चाकू की मदद से चारों साइड पर एक एक छेद करें ताकि वो अंदर से भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तीवड़ा को हम एक प्लेट में रखेंगे। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि तीवड़ा कैसे बनाना है। मीडियम थिक साइज की पूरी बेलकर सिर्फ किनारी पर थोड़ा पानी लगाए और दोनों साइड की किनारी को इस तरह से जॉइंट करें और दूसरी दोनों साइड की किनारी को इस तरह से फोल्ड करें। चारों साइड से खुलते हुए दीवड़ा बनकर तैयार है। अगर आप इसे मैदा में से सिद्ध करेंगे तो इसका शेप ज्यादा सुंदर आएगा। चाकू की मदद से छेद करें और उसे एक प्लेट में रखें। अब तैयार किए हुए दीवड़ा को हम गरम घी में डीप फ्राई करेंगे। जब भी आप दीवड़ा को गरम घी में डीप फ्राई करो तब पहले 2 मिनट तक हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और घी अच्छा सा गर्म होना चाहिए। 2 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम एकदम स्लो करें और सभी साइड से और अंदर से अच्छे से सीख जाए। इस तरह उसे बीच बीच में पलटते रहे। इसे फ्राई होने में करीबन 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट तक डीप फ्राई करने के बाद तीवड़ा अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। उसे कढ़ाई में से बाहर निकालकर एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से बाकी के दीवड़ा को भी तलेंगे। इस तरह हमने सभी दीवड़ा को घी में तलकर तैयार किया है। उसे 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। हमने जो मैदा में से गगनगांठिया और मठरी बनाकर तैयार की थी वो 3 घंटे के बाद ठंडी हो गई है। 3 घंटे के बाद गेहूं के आटे में से बनाए हुए दीवड़ा भी रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी बनाने के लिए गैस पर एक बर्तन में 1 कप चीनी ली है। उसमें चीनी डूबे उतना पानी ऐड करें। गैस की फ्लेम ऑन करें और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम उसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। 5 मिनट के बाद अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब चीनी के अंदर जो भी अशुद्धि है उसे हम बाहर निकालेंगे। चाशनी में 2 चम्मच जितना दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। जब भी आप कोई मिठाई या सामग्री बनाओ उसमें चाशनी बनाओ तब चीनी के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है उसे निकालने के लिए दूध ऐड करना बहुत ही आवश्यक है। चाशनी के ऊपर जो भी झाग आया है वो सब चीनी की अशुद्धि है। उसे चम्मच की मदद से बाहर निकाले। ये प्रोसेस करने से चाशनी
एकदम ट्रांसपेरेंट तैयार होगी। अब चाशनी को 13 से 15 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर उबालना है। पंद्रह मिनट तक उबालने के बाद दो ड्रॉप जितनी चाशनी एक बर्तन में निकालें और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद उंगली और अंगूठे की मदद से तार चेक करें। दो तार की चाशनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करें। अब हमने ये बरास कपूर लिया है, जिसे भीमसैनी कपूर भी कहते हैं, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। उसमें से चुटकी भर बरास कपूर का हम पाउडर बनाएंगे और उसे चाशनी में ऐड करेंगे। किसी भी पुष्टिमार की हवेली या वैष्णवों के घर पर ठाकुर जी की सेवा हो, वहाँ ठाकुर जी की भोग सेवा में बरास कपूर का उपयोग किया जाता है। मठड़ी, सेव के लड्डू, मोहन थाल और कई सामग्री में बरास कपूर चाशनी में मिलाया जाता है। अगर आप चाशनी में बरास कपूर ऐड करो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करें, क्योंकि उसकी फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब हैंड विस्कर की मदद से हम चाशनी को 2 से 3 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इस तरह फेंटने से चाशनी थोड़ी दूधिया रंग की तैयार होगी और सूखने के बाद एकदम सफ़ेद रंग आएगा। अब गगन गांठिया को हम चाशनी में डीप करेंगे। इस तरह से उसे चलाते जाए और 2 से 3 मिनट तक उसे चाशनी में रखें, ताकि उसके अंदर चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बाद में हम उसे घी से ग्रीस की हुई थाली में निकालेंगे और 7 से 8 घंटे तक उसे सेट होने देंगे। अब हमने जो मैदा की मठरी तैयार की थी, उसे भी चाशनी में डीप करें और 3 मिनट तक हम उसे चाशनी में रखेंगे, ताकि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। यह सामग्री मैं मेरी समझ के मुताबिक सिद्ध कर रहा हूँ। आप अपने गुरुघर की रीत के मुताबिक सिद्ध करें और श्री ठाकुर जी को भोग धरे। मठड़ी को भी हम घी से ग्रीस की हुई थाली में रखेंगे और 7 से 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर उसे सेट होने देंगे। अब हमने जो दीवड़ा तैयार किए थे, वो भी रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं, उसे भी चाशनी में डीप करेंगे। 3 मिनट तक चाशनी में डीप करें और इस तरह से उसे फ्लिप करें। फ्लिप करने के बाद अब चम्मच की मदद से उसके अंदर थोड़ी चाशनी ऐड करें। अब उसे घी से ग्रीस की हुई थाली में निकालें। इस तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर एक एक दीवड़ा को हम रखेंगे। उसे भी 7 घंटे के लिए सेट होने दें। 7 घंटे के बाद मैदा की मठरी और गगन गांठिया पर चाशनी अच्छे से सेट हो गई है। इसी तरह 7 घंटे के बाद अब दीवड़ा के ऊपर भी चाशनी अच्छे से सेट हो गई है। श्री ठाकुर जी को भोग धरा सके वैसी अनसकड़ी की 3 सामग्री गगन गांठिया, मठड़ी और दीवड़ा बनकर तैयार है। तो आप भी ये 3 सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें और श्री ठाकुर जी को उत्सव पर भोग धरे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी रेसिपी गुजराती भाषा में देखना चाहते हैं तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल निगम ठक्कर रेसिपी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सरल और सात्विक रेसिपीज की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।
फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।